हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन का नाम है कलकरिया कार्ब। दोस्तों, इसका पावर रहेगा यानी कि शक्ति रहेगा 6 से लेकर 200, यानी कि 630 और 200 या फिर इससे ऊपर भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसके खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको और भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आगे के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है कलकरिया कार्ब, जिसका पावर रहेगा 6 से लेकर 200 तक, यानी कि 630 और 200। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह मेडिसिन किस चीज़ से बनाई जाती है। दोस्तों, यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन सीपी यानी कि घोंघा, जिसको हम लोग ओएस्टर भी कहते हैं, उसके कवच के बीच की परत से बनाई जाती है। इसका रोगी सामान्यतः मोटा, थुथला लेकिन कमज़ोर होता है। सिर बड़ा और पेट उल्टी तस्तरी की तरह फूला होता है, पेट बड़ा दिखाई देता है, रोगी दुबला भी हो सकता है। दोस्तों, यह मेडिसिन त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीज में भी काम आती है, जैसे मुहासे, एक्जिमा, दरारे, फुंसियाँ, पिप भरे दाने, लाली, सूजन, सलक्षर्मता, गांठे, खुजली, तिल, सोराइसिस, लाल चकते, खुजली, पित्ती और मस्से। दोस्तों, इसी में है त्वचा संबंधित विशिष्ट लक्षण, जैसे त्वचा अस्वस्थ, जरा से भी चोट लग जाने पर पीप पड़ जाती है, मामूली सा जख्म भी जल्द ठीक नहीं होता, हाथ और चेहरे पर मस्से होते हैं, मस्से मांसल, सख्त, नोकदार और छोटे होते हैं, दरारों की पुरानी बीमारी, एक्जिमा के ऊपर मोटी पपड़ी, जलन और खुजली, पसीने वाले हिस्से पर खुजली होती है। खुजली वाली जगह को रोगी तब तक खुजाता है जब तक त्वचा छिल नहीं जाती। खुजाने पर खुजली में आराम आता है, नहाने के बाद खुजली बढ़ जाती है। सुबह के समय जब रोगी बिस्तर में लेटा होता है, खुजली होती है। इसमें आगे है, यह दवा यानी कि यह मेडिसिन मानसिक लक्षणों में भी काम आती है, जैसे रोगी स्वभाव से डरपोक होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए परेशान रहता है, उसके मन में कई तरह के डर होते हैं, जैसे मौत का डर, अंधेरे का डर, कैंसर का डर, जानवरों का डर, चूहों का डर, कुत्ते का डर, तंग जगहों का डर, अकेला रहने का डर। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दोस्तों, इसमें आगे है व्यापक लक्षण यानी कि प्रकृति। रोगी शीत प्रकृति का होता है, रोगी को ठंड सहन नहीं होता, ठंड से तकलीफें बढ़ जाती हैं। उसके बाद आता है इच्छा यानी कि क्या क्या पसंद है, जैसे अंडा, मिठाई, आइसक्रीम, न पचने वाली चीज़ें जैसे कि खड़िया, कोयला, पेंसिल। अब है अनिच्छा यानी कि जो पसंद ना हो, जैसे चर्बी, मांस और दूध। दोस्तों, इसमें आगे है प्रतिकूल, जैसे दूध। दूध पीने से पाचन बिगड़ जाता है, शरीर पर पसीना बहुत आता है, विशेषकर सिर पर आता है, जरा सी मेहनत करने पर पसीने से तर हो जाता है, पसीने से खट्टी गंध आती है, पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, मानो गीले मोजे पहने हो। बीमारी के दौरान या बीमारी से आराम होते समय अंडा खाने की इच्छा होती है। कब्ज रहने पर भी सभी प्रकार के रोगी को आराम रहता है। खुश्क मौसम में रोगी बेहतर महसूस करता है। तकलीफें पहले दाहिनी तरफ उभरती है, बाद में बाईं तरफ। दोस्तों, इसमें आगे है वृद्धि यानी कि बढ़ना। ठंडी और गीली हवा में, ठंडे पानी से नहाने से, सुबह, शाम और आधी रात के बाद, पूर्णिमा के दिन तकलीफें बढ़ती हैं। हर्ष,
सूखे मौसम में, शक्ति 6 से 200 तक या फिर उससे ऊंची शक्तियाँ यानी कि पावर भी ले सकते हैं। इसके आगे है दोस्तों सतर्कता यानी कि सेफ्टी। ब्रोनिया और कल्केरिया कार्व एक दूसरे के पहले या बाद में इनकी प्रतिकारक औषधि दिए बिना बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई ऐसा है या फिर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ तो दोस्तों आप ये मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेडिसिन लेनी हो या नहीं खरीदनी हो तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों ये मेडिसिन किस चीज़ से बनती है यह तो आपको मालूम हो ही गया होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से जानकारी लेनी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों रही बात खाने की यानी कि इस मेडिसिन को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों को पास जाएगा उतने लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा। तो दोस्तों आगे के लिए सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।